दिल्ली में जिस प्रकार से खालिस्तानी समर्थक गुंडे बदमाश ने किसान आंदोलन के नाम पर दंगा फसाद किया, यह अत्यंत ही घोर निंदनीय और शर्मनाक है। मैं आपको आज एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आप सुन करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये कोई किसान नहीं थे, ये जितने लोग जो थे आज इस आंदोलन को कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, ये सब आतंकवादी गुंडे बदमाश थे और इन सब को विदेशों से काफ़ी फंडिंग हो रही थी, जिसका एक ही लक्ष्य था दिल्ली को डिस्टर्ब करना, लाल किले को डिस्टर्ब करना और देश के अंदर गलत गलत अफवाह फैलाना। आप खुद सोचिए कि इन्होंने 26 जनवरी का दिन चुना, क्योंकि 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाता है और उस दिन ये लोग आकर के यहाँ पे आतंकी हरकतें करेंगे। दिल्ली पुलिस ने जब इन्हें परमिशन दिया तो उसमें कुछ शर्तें और कुछ चीज़ें थी, लेकिन सारे शर्तों को इन्होंने तोड़ करके दिल्ली पुलिस पे हमला किया, दिल्ली के अंदर हमला किया, हर जगह हमला करते रहे और गुंडागर्दी अपनी चरम पे इन्होंने कायम रखी। आपको बता दूं कि इन सब के पीछे हाथ किसका था। विदेश में बैठे खालिस्तानी समर्थक लोगों ने जम करके फंडिंग किया, जम करके घोषणाएं करी थी, जम करके पैसे दिए, इनाम घोषणा करी थी। और बड़ा खुलासा यह है कि इसमें इन्होंने एक घोषणा किया था कि अगर लाल किला पर झंडा फहरा दोगे तो हम तुम्हें 1,82,00,000 रुपए का इनाम देंगे। इनाम यूएस डॉलर में था, इंडियन रुपीज में मैं बता रहा हूँ कि 1,82,00,000 रुपए का था। इसमें ये लोग सक्सेस हुए और उसके बाद अब नई घोषणा ये हुई है 1 फरवरी को संसद भवन पे अगर ये झंडा फहरा दिया जाता है खालिस्तानी समर्थकों का तो 3,50,000 अमेरिकी डॉलर यूएस डॉलर का इनाम की घोषणा कर दी गई है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आतंकवादी गतिविधियां जो इन्होंने बाहर बैठ करके देश के अंदर चला रखी है ये कितने ज़्यादा एक्टिव हो रखे हैं। और दिल्ली पुलिस जिस संयमता के साथ निपटी है इन लोगों के साथ, अब वो संयमता को अलग तरीके से दिखाने की ज़रूरत है। एक एक जितने भी ये गुंडे बदमाश थे इन सब के ऊपर FIR करके अंदर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे इनका मन बढ़ेगा। आप जितना शांत रहेंगे उतना इनका मन बढ़ेगा और ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटने की ज़रूरत है। बहुत हो गया शांति और भाईचारा का संदेश, जब तक कुछ गुंडे और बदमाशों को सख्ती नहीं दिखाई देगी तब तक उनका मनोबल बढ़ा रहेगा। और ये सब के सब खालिस्तानी समर्थक, खालिस्तानी लोग जो दिल्ली में आकर के ऐसी गुंडागर्दी आज तक नहीं हुई थी और दिल्ली प्रशासन पुलिस के साथ इनका जो बर्ताव रहा सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा और उस दिन राष्ट्र शर्मसार हुआ है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सख्त निर्देश दें अपने अधिकारियों को कि अब इनके साथ किस तरीके से निपटा जाए। जय हिंद।